अगर आप लोग ने भी रिंग एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसका रिपेमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो इस केस में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर ये वीडियो देखिए। अगर आप लोग को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, रिंग एप्लीकेशन। तो रिंग एप्लीकेशन जो है NBFC से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, जो कि RBI की गाइडलाइन और लाइसेंस पे चलनी चाहिए। तो RBI की गाइडलाइन से लाइसेंस पे चलती है या नहीं चलती है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और आपको यहाँ पे कितने भी प्रॉब्लम होंगे उसके सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने मिलने वाले। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये वीडियो देखिए और आपको जरूर से जरूर इसमें जितने भी आपके प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये, अगर आप लोग इनका ड्यू डेट पे रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ ये लोग क्या करते हैं। सबसे पहले आपका सिविल डाउन करना स्टार्ट करेंगे, सिविल डाउन करेंगे जिससे आपका क्या होगा कि सिविल पे बैड इंपैक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में जितने भी लोन एप्स होते हैं वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, बैंक सब लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे अब। तो आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो जल्द से जल्द इनका रिपेमेंट करके खत्म कीजिए, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका ये सिविल सिर्फ खराब करेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं और कोई भी एक्शन वगैरह नहीं होने वाला है। तो स्टार्टिंग से आप लोग समझ जाइए कि कोई एक्शन वगैरह आपके ऊपर नहीं होने वाला है। बाकी आपको बता दें ये लोग कैसे कैसे आप लोग के ऊपर दबाव डालते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉल करना स्टार्ट करेंगे ड्यू डेट पे, अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो कॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो कॉल करते हैं आपको तो एक कॉल का रिस्पांस करना है, उसके बाद आपको रिस्पांस कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको उस रिस्पांस में आपको बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपको कितना वक्त लगेगा उसका प्रॉब्लम से निकल करके आपका उनका रिपेमेंट करने में। तो आप लोग उनसे वक्त मांगिएगा, वक्त मांगते अगर ठीक है सुन लेते तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग को उनके उसके बाद उनका रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ने उनको अपना प्रॉब्लम बता दिया। आप लोग जेन्युइन डिफॉल्टर है, कोई भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी हुआ होगा इसलिए आप लोगों ने लोन डिफॉल्ट किया, अदरवाइज आप लोग डिफॉल्ट नहीं करते, ये जान लीजिए। और अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अगर ये लोग कॉल करते हैं तो उनको साफ साफ मना करना है कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने के लिए, और उनको बोलना है अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं तो आप लोग के अगेंस्ट हम RBI में कंप्लेन वगैरह कर देंगे और आपको एक रुपया भी नहीं देंगे, मतलब ऐसा बता देना आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इलीगल कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं तो आप तो किसी तरह से लीगल एक्शन RBI की गाइडलाइंस पे तो चल नहीं रहे हैं, तो आपका मैं रिपेमेंट कैसे कर सकता हूँ। अगर आप चलते हैं RBI की गाइडलाइंस पे तब ना होता, ऐसा नहीं होता है कि आप लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट पे किसी का प्राइवेसी हैक करके उनके आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे उसके कॉल करें, ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग उनको मना करना, अगर मना करिएगा तो वो लोग नहीं कॉल करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके घर लीगल नोटिस करके कि ये लोग भेजेंगे लीगल नोटिस। तो ये लीगल नोटिस वगैरह कुछ नहीं होता, ये रिमाइंडर नोटिस होता है और इस पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक रिमाइंडर नोटिस होता है और आपको डराने के लिए सिर्फ ये नोटिस होता है, उस पर सेक्शन वगैरह लिख देंगे कि आप लोग डर जाएं और उनका जल्द से जल्द रिपेमेंट कर दे, कहीं से भी किसी से भी मांग करके किसी से भी लोन ले करके आप रिपेमेंट कर दे उनका, उनको अपने पैसे से मतलब है बस और कुछ नहीं। तो ऐसा आप ना कहिएगा कि किसी से आप लोग लेकर के उधारी या फिर लोन करके उनका रिपेमेंट करें, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपके पास जब पैसे हो तभी आप रिपेमेंट कीजिएगा, ऐसा कोई लीगल एक्शन वगैरह नोटिस वगैरह नहीं होता है, ये सब आपको डराने के लिए होता है बस। उसके बाद आपके घर अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आपके घर रिकवरी एजेंट भेजते हैं, रिकवरी एजेंट भेजेंगे आपके अगर घर तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रखना है और उनको बोलना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बता दीजिएगा कि आप लोगों ने डिफॉल्ट क्यों किया है। उन लोग को भी पता हो जाना चाहिए कि आप लोगों ने डिफॉल्ट क्यों किया है, अगर वो लोग समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर फिर भी दबाव मांगते हैं तो दबाव करते हैं तो आपके दो सवाल पूछिए उनसे, पहला ID कार्ड मांगिए कंपनी का और दूसरा ऑथराइज लेटर। अगर ये देने में सक्षम होंगे तो ठीक, ऐसे ज्यादातर असक्षम होता है क्योंकि ये लोग कभी भी कंपनी की तरफ से नहीं आते हैं, ये आपको कोई भी आपके नियरेस्ट कोई भी लोन रिकवरी एजेंसीज होती है उनको ये एप्लीकेशन डेटा देती है और उनसे रिकवर करवाती है। तो ऐसा जब भी करें तो ये RBI की गाइडलाइन के खिलाफ है, तो आप लोग को इनका कोई रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दबाव करें तो आप लोग उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात हुई रिकवरी एजेंट को लेकर के। और रिकवरी एजेंट जब अगर घर से चले जाएं उसके बाद वो लोग ये भी कर सकते हैं आपको कॉल करके परेशान, तो कैसे परेशान करेंगे वो बता देता हूँ। कॉल करेंगे आपको और बोलेंगे कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, या फिर एडवोकेट बन के कॉल करेंगे या फिर जज बन करके कॉल करेंगे। अगर ऐसा कोई भी कॉल आपके
फोन पे आता है तो समझ जाइए ये रिकवरी एजेंट कर रहे हैं, कोई भी कोर्ट वगैरह आपको जज वगैरह एडवोकेट वगैरह पुलिस से कॉल नहीं करती है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वहीं बात कर लेते सबसे आखिरी सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है आपके ऊपर FIR या कोर्ट केस वगैरह होगा या नहीं होगा। तो आज तक कोई भी कोर्ट केस वगैरह नहीं हुआ है तो आपके ऊपर भी कोर्ट केस वगैरह नहीं होगा। FIR की बात की जाए तो आपके ऊपर भी FIR नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर के लोन नहीं लिया है, तब आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर के लोन लिया है तब आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा ही होगा। अगर आप लोगों ने सही डॉक्यूमेंट देकर के लोन लिया है तब आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं होने वाला, तो इसीलिए आप लोग निश्चिंत हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के लोन रिगार्डिंग कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।